हेलो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आईक्यू की तरफ से जल्द लॉन्च होने वाली एक और न्यू 5G स्मार्टफोन सीरीज की। ये सीरीज होगी आईक्यू Z8 सीरीज। इस सीरीज में आपको दो न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, आईक्यू Z8 एंड आईक्यू Z8X। दोनों के दोनों 5G स्मार्टफोन होने वाले हैं। दोनों के अंदर काफ़ी तकड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ओनली आईक्यू Z8 5G स्मार्टफोन के रूमर्स, स्पेसिफिकेशन और एक्सपेक्टेड प्राइस की। सबसे पहले बात करते हैं फ़ोन के डिस्प्ले की। तो लीक्स के अनुसार या रूमर्स के अनुसार यहाँ पर मिलेगी आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाले रिजोल्यूशन के साथ। यहाँ पर मिलने वाली है आपको एक IPS LCD डिस्प्ले, वो भी 144 GHz के स्मूथ हाई रिफ्रेश रेट के साथ। यानी कि डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलने वाली। HDR10+ की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, वाइडबैंड L1 की सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। यानी कि कंटेंट वाचिंग के लिए और गेमिंग के लिए डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। बस यहाँ पर आपको AMOLED डिस्प्ले की कमी थोड़ी सी खलने वाली है। बात करेंगे फ़ोन में परफॉर्मेंस की, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार से आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ कंटिन्यू मिलती रहेगी। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो मेटेक की तरफ से एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगी। मेटेक डेमेंसिटी 8200 वाली एक परफॉर्मेंस मिलने वाली है, जो कि एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट है। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में तो बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली। LPDDR5 वर्जन वाली रैम एंड UFS 3.1 वर्जन वाली स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगी। यानी कि परफॉर्मेंस का सेगमेंट काफ़ी तगड़ा मिलने वाला है, परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आएगी। लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 13 के साथ आएगा, और यहाँ पर आपको फन टच OS 13 वर्जन देखने को मिलेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करते हैं फ़ोन के बैटरी डिपार्टमेंट की। तो रूमर्स के अनुसार यहाँ पर मिलेगी आपको 5000 mAh की बैटरी, और बैटरी को चार्ज करने के लिए 120W फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट एंड 120W फास्ट चार्जर आपको इनबॉक्स देखने को मिलेगा फ़ोन के ही साथ। एंड USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा आपको चार्जिंग के लिए, तो बैटरी से भी आपको शिकायत नहीं आएगी। तो यहाँ से आप बेफिक्र रहिए। फ़ोन के वारंट की बात करें तो 3 वारंट में देखने को मिल सकता है ये स्मार्टफोन। 12GB 256GB एंड 12GB 512GB एंड 16GB 1TB। अब बात करते हैं फ़ोन के एक्सपेक्टेड कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरे का सेटअप देखने को मिलेगा। 64MP का मेन सेंसर होगा एंड 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 2MP का मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर शायद आपको OIS की सपोर्ट भी देखने को मिलेगी। एक बात अच्छी होने वाली है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कि कैमरे से भी आपको शिकायत नहीं आएगी। अगर बात करें सेल्फी कैमरे की, तो पंच होल के साथ यहाँ पर भी मिलेगा आपको 16MP का सेल्फी शूटर। यहाँ पर आप 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। ओवरऑल फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, यहां पर आपको कैमरे से शिकायत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फोन के एक्सपेक्टेड प्राइस की। तो एक्सपेक्टेड है ये स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं फ़ोन के लॉन्चिंग डेट की। तो रूमर्स के अनुसार ये स्मार्टफोन आपको सितंबर के एंड तक ही देखने को मिलेगा इंडियन मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, ये थे आईक्यू Z8 5G स्मार्टफोन के रूमर्स, स्पेसिफिकेशन और एक्सपेक्टेड प्राइस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे को नए वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।